अगर हम पदार्थ की भाषा में बात करें, थोड़ा सा और व्यावहारिक रूप में इसको लें, तो देखिए कोई भी एक जो पदार्थ है आमतौर पर उसके तीन आयाम होते हैं, थ्री डायमेंशंस होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। दो डायमेंशंस तो हमें फिल्म के पर्दे पर दिखाई देते हैं, अपनी इन आंखों से हम देख सकते हैं जब हम फिल्म देखने जाते हैं, 2D फिल्म। लेकिन अगर पर्दे पर 3D फिल्म लगी हुई हो तो हम अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए वो सिनेमा हॉल वाले हमें एक चश्मा देते हैं, और उस चश्मा को केवल पहन लेने से, आंखें तो हमारे पास हैं, वो हमें कोई अलग से आंखें नहीं देते, उस चश्मे को पहन लेने के बाद बकायदे हम उस 3D को देख सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे आंखों के पास वो क्षमता तो है। माइक्रोस्कोप अगर हमें दे दिया जाए तो हम कितने सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास, हमारी आंखों के पास ये क्षमता है कि हम कर सकते हैं। तो जरूरत यह है कि हम अपनी आंखों में ऐसा क्या लगाएं कि हमें वो तत्व सही रूप में दिखाई दे जाए, क्योंकि ऊपरी तौर पर तो वो सारे जो तत्व हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केवल वही सब कुछ नहीं है। जो पदार्थ है वो 3D नहीं है। बहुत आश्चर्य होगा अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि कृष्ण साफ तौर पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति में इमोशंस नहीं होंगे उन्हें अपने जीवन में कभी शांति नहीं मिल सकती। अब आपको बड़ा विचित्र सा लगेगा कि वो व्यक्ति जो 18 अक्षड़ी सेनाओं को मरवा देता है वो यह इमोशंस की बात कर रहा है। और कृष्ण को इस रूप में परिभाषित भी किया जाता है कि कृष्ण में इमोशंस नहीं थे। वृंदावन छोड़ के गए तो कभी लौटे नहीं, मथुरा छोड़ करके द्वारका चले गए तो मथुरा नहीं लौटे। किस तरह का व्यक्ति है जिसमें इमोशंस नहीं है? ये इमोशंस की बात नहीं है, ये केवल वर्तमान की बात है, प्रेजेंट में रहने की बात है। और बकायदे वो अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने अतीत को छोड़कर मुझ सतत वर्तमान को देखो। दो शब्द है यहां, सतत वर्तमान, यानी कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जो कंटिन्यूअस प्रेजेंट में रहता हूं। मैं कभी ना तो पास्ट में रहता हूं और ना मैं फ्यूचर की चिंता करता हूं। मेरे जो सारे के सारे एक्शन है वो प्रेजेंट में ही है। और कृष्ण यही करते हैं, आप देखिए थ्रू आउट कृष्ण केवल प्रेजेंट में ही रहते हैं। और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत थी कि यही, और ये उनकी स्थित प्रज्ञता का सबसे बड़ा प्रमाण भी था कि वो हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे प्रेजेंट में रह पाए। इसको अगर हम एक इस तरह के उदाहरण के जरिए थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जैसे कि मान लीजिए कि हम अब इस कमरे से बाहर निकल कर और सड़क पर चले जाएं और हमारे सामने से एक साइकिल वाला गुजर जाए और एक कार गुजर जाए, तो हमारे सामने से गुजरने में उसको 5 सेकंड लगेंगे, तो उस कार के लिए हमारा जो प्रेजेंट का जो पीरियड हुआ, ड्यूरेशन, वो 5 सेकंड का हुआ, क्योंकि 5 सेकंड से पहले वो कार पास्ट में थी और हमारे सामने से गुजर गई तो फ्यूचर की हो गई। आप कल्पना करके देखिए कि अगर यहीं पर एक टावर बना दिया जाए जो 1000 फीट ऊंचा है और हम उस टावर पर खड़े होकर के उस कार को आते हुए देखें और वो कार आ रही है और हमें दिखाई दे रही है और उसको हम आधे घंटे तक अपने आंखों से ओझल हुए होते हुए देख रहे हैं, तो हमारा ये प्रेजेंट कितना लंबा हो गया? आधे घंटे का ये प्रेजेंट हो गया हमारा। और ये आधे घंटे का प्रेजेंट सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हम टावर पर बैठे, 1000 फीट की ऊंचाई पर बैठे हुए। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो चेतना है वो जितनी लिबरल होगी, जितनी ऊंची होगी, जितनी उदार होगी, हमारा जो प्रेजेंट का जो ड्यूरेशन है, जो वर्तमान का जो दौर है, वो उतना ही लंबा होगा। और कृष्ण इस रूप में दिखाई देते हैं, साफ तौर पर दिखाई देते हैं कि जैसा कि मैंने कहा कि मथुरा छोड़ा तो मथुरा छोड़ दिया, द्वारका छोड़ा तो द्वारका छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ा तो वृंदावन छोड़ दिया, लेकिन इमोशंस उनमें है। इमोशंस से हम उन्हें रिक्त नहीं मान सकते।
इसका मतलब है कि वो एक और डायमेंशन देते हैं जब हमें तत्व की पहचान करनी है, वो है इमोशन। और इसके बाद वो एक और डायमेंशन देते हैं, वो है टाइम। देखिए, जब हम किसी भी चीज के बारे में एक्सप्लेन समझ किसी भी चीज को समझने की कोशिश करेंगे तो वहां हमें तीनों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो उसके मूल गुण हैं, वस्तु के जो मूल गुण हैं। लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ये समय कौन सा है। उदाहरण के तौर पर जब अर्जुन कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो दूसरे अध्याय के दूसरे ही श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम ये कुसमय में ये बात कह रहे हो, मतलब अभी ये बात कहने का समय नहीं है। अगर 5-7-10 दिन तुम पहले ये बात तुमने कही होती तब तुम उतने गलत नहीं होते, लेकिन चूंकि अब युद्ध शुरू हो चुका है, शंख बज चुके हैं, तो अभी जो तुम ये बात कह रहे हो तो ये कुसमय है, ये समय ठीक नहीं है तुम्हारी इस बात के लिए। इसका मतलब है कि अर्जुन के वक्तव्य को या उसके निर्णय को के जब हम तत्व को पहचानने की कोशिश करेंगे तो उसमें समय एक एलिमेंट है। अगर हम उसको किनारे कर देंगे तो हमारे कभी भी डिसीजंस परफेक्ट नहीं हो सकते।